अस्सलाम वालेकुम। तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम नेस्टेड इफ की एग्जांपल देखेंगे विद थ्री नंबर्स। तो क्योंकि नेस्टेड इफ थोड़ी सी इस तरह की कॉम्प्लिकेट सी, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कुछ पता नहीं क्या मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आज बेसिकली हम तीन नंबर्स के साथ देखेंगे। तो मैं पहले नंबर्स डिक्लेयर कर लूँ अपने, ठीक है, और मैं इनको डिफॉल्ट वैल्यू ही असाइन कर रहा हूँ पर्टिकुलरली अभी, क्योंकि मैं अपने टाइम को देखते हुए हम करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसके लिए थोड़ा सा आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली आपको स्क्रीन पे मेरे नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिया हुआ है 7, और दूसरा नंबर 5 है, और तीसरा नंबर मेरा 4। तो मैं इनको लिख लेता हूँ 7, 5 और, ठीक है। तो अब देखें इसमें से, अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है। देखें सबसे पहला तो ये है ना कि हमने इनमें से बड़ा नंबर निकालना है। जब दो नंबर्स होते थे हमारे पास, तो हम क्या करते थे कि इसको इसके साथ कंपेयर करते थे। अगर ये इससे बड़ा है तो हम कह देते थे कि दिस वन इज ग्रेटर, वरना हम कह देते ये छोटा है, ठीक है, या हम कह देते थे कि ये बड़ा है, जो भी आपकी कंडीशन है। अच्छा, अब देखिए हमने तीन नंबर्स करने हैं। अब काम थोड़ा सा हो गया है कॉम्प्लिकेटेड। अब सबसे पहले जब आप पहला नंबर पिक करते हैं, आप नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, आपको नंबर वन को एज यूजुअल इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। आपको चेक करना पड़ता है कि आप ये नंबर, ये 7 ग्रेटर देन 5 है या नहीं है, ग्रेटर देन 5 है या नहीं है। अगर तो ये होता है, ठीक है, अगर ये होता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा नंबर वन को नंबर 3 के साथ, मुझे ऑब्वियसली ये चेक करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो तीनों नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करना है, फिर मैं चेक करूंगा इसको इसके साथ, क्या आया नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे लॉजिक क्या बन रही है। लॉजिक ये बन रही है मेरे पास, मैं टेक्स्ट में लिख लेता हूँ कि नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हम यूज कर लेते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो उन केस में भी हमें बता दे नंबर 2, ठीक है। पहली हमने चेक की कंडीशन, नंबर 1 7 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 5 है, अगर तो यस होता है देन, ठीक है, देन क्या करो, देन करो नंबर 1 को चेक करो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3। अब ये क्या करेगा कि यहां से देखेगा नंबर 1, अगर तो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो इस फिर चेक करो नंबर 1 क्या नंबर 3 से बड़ा है या नहीं है। अगर तो फिर मैं लिखता हूँ देन, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ब्लॉक को अपने, देन अगर तो नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, इसका मतलब है नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, सिंपल। अब एल्स, इसका एल्स, ये जो ये वाला एल्स है, ठीक है, इधर मुझे लिखना पड़ेगा कि अब देखें अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा नहीं, तो इसका लॉजिकली आपको समझ आ गई कि नंबर 1 7 ग्रेटर देन 5 है, लेकिन 7 ग्रेटर देन 4 अगर ना हो, यहाँ पे बिल्कुल 4 की जगह 9 होता, तो अगर ना होता तो इसका मतलब नंबर 3 बड़ा होता, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये हमने लिख ली एक इफ कंडीशन अपनी लॉजिक को बनाते हुए। अब देखें ये तो हो गया मेरा फर्स्ट इफ कंडीशन, उसका देन, ये सेकंड नेस्टेड इफ कंडीशन, उसका देन, ये इस कंडीशन का एल्स। अब इस कंडीशन का एल्स लिखना है मैंने, ठीक है। अब एल्स पार्ट में आए इसके, अब एल्स पार्ट में देखें कि क्या होता है। अब देखें जब मैंने कहा कि जी मैं आपको यहां से समझाता हूं, जब मैं कहता हूं, मैं जब कहता हूं कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, जब नंबर 1 नंबर 2 से, एक तो है ना कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हो, तो हम इस ब्लॉक में चल जाएंगे। अब हमने एल्स की कंडीशन देखते हैं, इन केस अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो क्या करना है, तो इसका मतलब कि ऊपर वाली एल्स कंडीशन खत्म, हम आ जाएंगे नीचे वाले में, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे वाले में लिखते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट में डाल लेता हूँ। अब एल्स में हम इसके लिखते हैं, हमने कहा कि जी नंबर वन
नंबर वन नंबर टू से बड़ा नहीं है, तो एल्स में अब हम एक नेस्टेड इफ लगाते हैं, दोबारा इफ लगाएंगे, हम चेक करेंगे क्या नंबर, मैं ऑरेंज कर लेता हूँ इसको, नंबर टू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर थ्री है, देन अब मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। अब देखिए हमने कहा जी मैं इसको अरेज कर लूँ तब आके आपको ये समझ आ जाए, ये बिल्कुल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 9, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, मेरी पहली कंडीशन तो वैसे ही फॉल्स होगी, मैं तो अंदर जाऊंगा ही नहीं। अब मैंने चेक किया क्या, अब तो मैं एल्स पे आ गया, अब मैंने चेक किया क्या नंबर टू, अब क्योंकि मेरे मुझे ये पता चल गया कि जब मैं ये चीज चेक कर रहा था तो मुझे यहाँ से पता चला कि नंबर वन नंबर टू से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब नंबर टू बड़ा है, क्योंकि तभी वो एल्स पे आएगा ना। अब मुझे यहाँ से चेक करना है क्या नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। अब ये वाली चीज चेक करने के लिए मुझे नेस्टेड इफ लिखनी पड़ रही है, तो मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, तब यहाँ पे देखें देन मैं क्या करूंगा इसको, देन मैं लिखूंगा अगर नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा नंबर टू इज ग्रेटेस्ट। अच्छा अब इसके एल्स में नंबर टू वाले के इस इफ कंडीशन के एल्स में, वरना मैं लिख दूंगा नंबर थ्री इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने प्रोग्राम को विजुलाइज करके बताना है, आपने तीन नंबर्स ले लें, आप चार नंबर्स ले सकते हैं इसमें, तो आपको फिर प्रोग्राम थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, आपको चारों नंबर्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो फिर वक्त आप नेस्टेड इफ कंडीशन समझने के लिए आपको ये चीज लॉजिक बनाना आना चाहिए कि लॉजिक किससे बनानी है। तो अब हम इसी चीज को जो हमने ये जो लिखी है हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, तो चलिए कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने तीन नंबर्स लिए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, ठीक है, ये नेस्टेड इफ आ गई मेरी। अब नंबर टू ग्रेटर देन, अब नंबर वन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर थ्री है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो सी आउट, और मैं यहाँ पे नंबर वन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, वरना मैं कॉपी कर लेता हूँ, वरना एल्स में मैं जाके लिख दूंगा नम टू, ठीक है, नम थ्री सॉरी लिख दूंगा। अच्छा अब नंबर वन नंबर टू से बड़ा नहीं है, तो मैंने इसका एल्स पार्ट लिखना है, मैं यहाँ पे दोबारा ये चीज कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ कि नंबर टू ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर थ्री है, अगर है तो इसका मतलब है नंबर टू बड़ा है, वरना नंबर थ्री ही बड़ा है। अब हम इसको चला के देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट नंबर वन आना चाहिए, 7 आ गया। अब 7 कैसे आया, उसने चेक किया कि जी नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, जी है, उसने चेक किया कि नंबर वन नंबर थ्री से बड़ा है, बिल्कुल है, इसका मतलब नंबर वन प्रिंट हो गया। अब हम वैल्यू चेंज करते हैं, हम इसमें कर देते हैं नंबर टू में 9 कर देते हैं और नंबर फोर में हम 10 कर देते हैं, अब हमारे पास रिजल्ट 10 आना चाहिए, लेकिन कैसे आया अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने देखा नंबर वन नंबर टू से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास नंबर वन 7 है नंबर टू 9 है, तो इसका मतलब ये तो चलेगा ही नहीं ब्लॉक ये वाला, ठीक है, वो एल्स में आगे बढ़ा। अब वो चेक करता है क्या नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है, नंबर टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर टू क्या था, नंबर टू 9 है और नंबर थ्री 10 है, तो इसका मतलब ये जो इसकी नंबर टू ग्रेटर देन नंबर थ्री वाली कंडीशन है ये भी फॉल्स हो गई, तो अब चलेगा एल्स और नंबर थ्री प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नेस्टेड इफ के साथ एग्जाम्पल, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, आप चार नंबर्स के साथ ले लें, आप जितना करते जाएंगे एक्सपेंड करते जाएंगे वो आपके ऊपर है, उतनी इफ कंडीशन इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये आपका हो गया नेस्टेड इफ के साथ, अगर इनके साथ वो समझ नहीं आती है कंफ्यूजन रहती है तो मुझसे कांटेक्ट करके जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।